राहुल के लिए अखिलेश मोदी के अनुराग ठाकुर से भिड़े, अपने गुस्से से वाकिफ कराते हुए पूछ लिया सवाल। अनुराग ने अखिलेश के सवाल पर दिया जवाब, कहने लगे हाँ मैं राहुल गांधी से पूछूंगा जाति। अखिलेश ने भी डंके की चोट पर दे दी चुनौती, हिम्मत है तो पूछ कर दिखाओ जाति। अखिलेश ने सदन में जैसा रौद्र रूप अनुराग को दिखाया, वैसा अब से पहले शायद ही अखिलेश को इस रूप में किसी ने देखा होगा। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। पति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति को, आप जाति कैसे पूछोगे तुम। लोकसभा में आम बजट 2024 पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर तीखे हमले किए। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की ओर से लगातार उठाए जा रहे जातीय जनगणना के मसले के संदर्भ में कुछ ऐसा कहा कि अखिलेश भयंकर गुस्से में आ गए। इस तरह के गुस्से में अखिलेश सबसे पहले कभी नहीं रहे। मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आइए। मैं केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति को, आप जाति कैसे पूछोगे तुम, कैसे पूछोगे जाति, आप बैठ नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते, हमारी व्यवस्था सुन लो आप मेरी। अब जानिए अखिलेश को इस रूप में क्यों आना पड़ा, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने कुछ ऐसा कहा। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। अखिलेश ने जब ऐसा कहा तो राहुल गांधी उठ खड़े हुए। राहुल गांधी ने कहा, मुझे इंसल्ट किया है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। इस पर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर फिर से हमला बोला। उन्होंने कहा कि उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती। अपने बलबूते पर सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो, फिर पर्ची आती, फिर बोलते हो, ऐसे कैसे चलता है। इस दौरान सदन में खूब हंगामा हुआ। फिर राहुल गांधी खड़े हुए। राहुल ने डंके की चोट पर कहा, हम जातिगत जनगणना कराएंगे। दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे, धन्यवाद। फिर इसके बाद अखिलेश यादव आए। अखिलेश राहुल गांधी के लिए अनुराग ठाकुर से भिड़ गए। सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आइए। मैं केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति को, आप जाति कैसे पूछोगे तुम, कैसे पूछोगे जाति, नहीं जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते, आप हमारी व्यवस्था सुन ले, आप मेरी व्यवस्था सुन ले। अखिलेश यादव खड़े हुए और कहा कि मैं अनुराग ठाकुर से पूछना चाहता हूं कि आपने जाति कैसे पूछ ली, आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, तुम पूछ के दिखाओ जाति। अब अखिलेश यादव का ये तेवर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आइए। मैं केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं,
पूछोगे जाति? आप बैठिए। नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन लो, आप मेरी